वहाँ पर बोलने से नहीं देगा फेल। तो तुम्हारा भाई नेक्स्ट लेवल इंटेलिजेंस है, मेरे साथ है सारे कुछ पॉसिबल है। नाउ इट इज़ 4:40 AM। अभी मेरे को वाटर फिलिंग का काम मिला है, वो करना पड़ेगा। भाई कितना तेज लाइट है। लेट्स स्टार्ट द वर्क फ्रॉम वाटर फिलिंग। आज मंडे है, मेरा कॉलेज ऑफ, और यहाँ से करना पड़ेगा। भाई बहुत ही ज़्यादा गर्म अभी होने वाला है, पता नहीं क्यों। भाई कल तो 40 डिग्री हो गया, आज एक्सपेक्ट दिखा रहा है 41 डिग्री सेल्सियस है। इट्स लॉट्स, ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर। धूप इतना ज़्यादा है ना, हाथ ऐसे करने से ही जल रहा है पूरा भाई साहब। और हमारा इधर ड्रेन होगा, फॉर दैट रीज़न वहाँ पर सारे काम कर रहे हैं। यहाँ से हमारे घर के सामने पूरा कट करेगा भाई। कैसा लगेगा पता नहीं, कल आई थिंक करेगा। कल तो मैं कॉलेज जाऊँगा। अरे क्या है, चलो देख के आते हैं कैसा काम चल रहा है। यहाँ से होगा पूरा, सारे कटिंग चल रहा है अभी। भाई साहब आइसक्रीम पीने का मन कर रहा है। इस सॉरी खाने का, आइसक्रीम तो लिक्विड नहीं है, पीने क्यों होगा यार, खाने का। 41 डिग्री सेल्सियस, मर जाऊंगा बहुत ही जल्दी रे यार। कल हम लोग इफ्तार घर पर नहीं किया, तो ये देखो पूरा आइस जम गया। अभी हम लोग निकाला क्योंकि ये मैं दोबारा आज यूज़ करने वाला हूँ, तो सोचा रहा हूँ क्यों ना इससे नहा नहीं जाए। भाई ठंडी ठंडी वाटर है। अरे इसका पीछे देखो, ये अल खींच रहा है। इस गर्मी में रियली ये सारे काम करना हार्ड जॉब, सीरियसली। अभी 40 डिग्री हो गया, ये सारे काम कर रहे। व्हाट्सएप पीपल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग वीडियो। तो क्या हाल है, क्या हाल है तुम लोगों का, ये बताइए मुझे कमेंट में। कोई नहीं करते फिर भी मैं बोलता हूँ। तो आज मंडे है, बहुत ज़्यादा धूप है बाहर, मैं क्या करूँ घर के अंदर। और वीडियो बनाने के चक्कर में फैन ऑफ किया जा, मेरा तो बहुत ही गर्म हो रहा है यार। तो आज भी मैं अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया है, जो कल सबमिट करना है वर्कशॉप। सिर्फ ड्राइंग बाकी है, वो भी हो जाएगा, कोई चाप नहीं है। लेकिन बात यह है ना, मैं 2-3 चीज मिल नहीं रहा, पता नहीं कहाँ से मिलेगा। वो कल कॉलेज जाके कर लूँगा। और इस वीक में मेरा पीपीटी प्रेजेंटेशन है, तो थोड़ा फट रहा है कैसे प्रेजेंटेशन करूँ। एनीवे आई विल प्रिपेयर माई सेल्फ, कोई चाप नहीं है। तुम्हारे वॉइस को सब कुछ पता है कैसे क्या मैनेज करना है। मैं जो प्रोजेक्ट में करता हूँ वो मैं पर्सनल नहीं रखना चाहता हूँ, लेकिन मैं जब आप उनका प्रोजेक्ट लिखता हूँ ना, तो बहुत ही शॉर्टकट तरीके से ख़त्म कर देता हूँ ही। अच्छा 4:50 PM और मैं अभी जा रहा हूँ जेरोक्स करने के लिए। एक्चुअली आई नीड A4 साइज पेपर दोनों, बट मुझे नहीं लगता कि हमारे घर के पास एक नई शॉप ओपन हुई है, तो वहाँ पर। अरे भाई ऑलरेडी इफ्तार के लिए सब शुरू हो गया, तो वहाँ पर बोलने से नहीं देगा फेल। तो तुम्हारा भाई नेक्स्ट लेवल इंटेलिजेंस है, मेरे साथ है सारे कुछ पॉसिबल है। ये देखो मेरा पास एक पेज मिला है जहाँ पर बॉर्डर है, एक्चुअली प्रिंट आउट किया मैंने, तो ये मैं जेरॉक्स कर लूँगा, हो जाएगा A4 साइज दोनों। सो लेट्स गो जल्दी जल्दी, नहीं तो भाई इफ्तार करने में टाइम नहीं मिलेगा यार। मैं सुबह आ सकता था, लेकिन इतना ज़्यादा धूप था ना, तो आने का मन ही नहीं किया। ओ भाई इस बार में ईद का प्रोग्राम होगा, हमारे इधर बहुत ही बड़ा होती है, 2 साल बाद, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ना, सच में ही 2 साल बाद, क्योंकि कोविड के लिए हुआ नहीं था। प्रोग्राम के लिए वहाँ पर देखो काम चल रहा है, बहुत ही बड़ा होती है पूरा लोकैलिटी में।
हर ईद में मेरा दीदी आते थे, लेकिन इस बार नहीं आएगा क्योंकि तीनों भागना का ही एग्ज़ाम है आफ्टर ईद, इसीलिए नहीं आएगा। एक तो क्लास 10 में पढ़ते, तो दिस ईद विल बी नॉट हैप्पी एज अदर ईद। मुझे प्रेडिक्ट कर सकता हूँ मैं, देखते हैं लास्ट मोमेंट में क्या होते हैं। ओके लेट्स गो फॉर इफ्तार फॉर 23rd। ओ माजी 23 था तो 23rd। ऑल राइट पीपल रीच होम लाओ नेक्स्ट ट्राई दिस। ये कल हमको मिला था एमएलए पार्टी, वही 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 कल वाला व्लॉग का वहाँ से मिला था एक्चुअली, समझा। देखो गाइस आज एक चीज दिखा रहा हूँ मैं ना, ये देखो ये विंडो सी, हाँ ये तो छोड़ दो, मैंने ये दो डिवाइड करके रखा है, एक पर्सनल और एक नहीं दिखाई दे रहा है, ये देखो कॉलेज के लिए। तो कॉलेज में अगर मैं अंदर घुसूँ तो ये असाइनमेंट 1 असाइनमेंट 2, तो मेरे को जाना है सेकेंड असाइनमेंट, सेकेंड सेमिस्टर का असाइनमेंट कल मैंने किया था, कौन सा, अरे भाई 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 सीएस का, यस सीएस का एक पीपीटी है, ये मेरे को अभी यहाँ पर टर्म पेपर पर बनाना है क्योंकि वो कल सबमिशन है, कल हमारा प्रेजेंटेशन भी है। डिनर कंप्लीट, मेरा राइटिंग भी कंप्लीट, अभी मैं थोड़ा प्रिपरेशन लूँगा कल प्रेजेंटेशन के लिए, उसके बाद ये पीना चाहिए लस्सी, मेरे घर में चार है और सो कल मिल गया था फ्री में वह इफ्तार पार्टी से। और बात यह है अगर लोगों के सामने अच्छे से अपन नहीं बोल पाएंगे तो कितना बड़ा बेइज्जती हो जाएगा, और मैं सोच रहा हूँ कि वही वीडियो मेरा फ़ोन में किसी एक फ्रेंड को दे दूँगा, मैं जब प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करूँगा वो रिकॉर्ड करेगा, अगर अच्छा नहीं बोलूँगा तो मैं नहीं दूँगा ब्लॉग में। अच्छा कोई नहीं, मेरा फेलियर आप लोगों के साथ शेयर करने में मेरा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब तक आप फेल नहीं होगा तब तक आप सक्सेस नहीं करोगे, ये मैं बिलीव करता हूँ, ये अप टू यू, आप बिलीव करेगा कि नहीं करेगा। मैं तो भाई चोरी नहीं किया था ना, तो क्या है, ये गलत भी हो सकता है लाइफ में, गलती तो होता है ना, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत सारे चीज़ होता है, तो एट द एंड ऑफ द डे हमको सहलेंगे थोड़ा करके आगे निकलना है। सो ऑन दैट नोट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, पसंद आया तो लाइक मत देना, चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब क्या करो, मिलता हो कल, देखते हैं कल कैसे बढ़िया दिन होता है कि नहीं, जरूर शेयर करूँगा, टाटा।